तो गाइस, मैंने अभी ब्लॉग नंबर 96 सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है और अभी बज रहा है 3:30। थोड़ा आधे घंटे मैंने नैप भी ले ली थी, तो चलो गाइस, लेट्स गो फॉर द आउटिंग। गाइस, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ एक ऑफिस में। जैसे यहाँ का काम खत्म होता है फिर मैं बाहर जाऊँगा, क्योंकि तो मुझे लग रही हूँ मुझे खानी है मैगी। कॉमिक हमेशा ही होता है अंदर की जगह बाहर खुलता है। ओके गाइस, यहाँ का काम तो हो गया, अब चलते हैं केडी मैगी खाने। ये गाइस, केडी पर ही मुझे हो गया है अंधेरा, अब चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अब मैं केडी से आ गया हूँ घर मैगी खा के, और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर हम चलेंगे एक नई जगह पे। तो लेट मी टेक सम रेस्ट एंड सी यू आफ्टर सम टाइम। तो गाइस, केडी से आके मैंने रेस्ट कर लिया था और अपना फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया था, और फिर मैंने सोचा कि 15-20 मिनट में निकल जाऊँगा। बट हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, सरप्राइज इनविटेशन। सो अब सरप्राइज इनविटेशन पे जाना है और वहीं जाके मालूम चलेगा कि क्या सीन है। तो चलो गाइस, लेट्स गो, वहाँ चलते हैं। मैंने अपना न्यूज़ व्लॉग का इतनी देर में मैंने अपना न्यूज़ व्लॉग कम्प्लीट कर लिया, बिकॉज वहाँ जाना है 9 बजे। तो मैंने अपना न्यूज़ व्लॉग कम्प्लीट करके अपलोड कर दिया, तो चेकआउट माई न्यूज़ व्लॉग। और चलो, अभी ये व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। गाइस, तो मैं जा रहा हूँ कहीं पे, आई डोंट नो वेयर। सी यू आफ्टर सम टाइम, बाय। सो गाइस, मैंने अपने फ्रेंड लोगों को ड्रॉप कर दिया है, मैं उनके साथ नहीं गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ हमारी VIP लेक। तो चलो गाइस, आप लोगों को VIP लेक घुमाता हूँ, चलो लेट्स हैव अ राइड।
ड्राइव पे। यिप्पी गाइस, ये हम आ गए हैं भोपाल की वीआईपी रोड पे। चलो गाड़ी साइड पे लगा के पार्किंग ऑन कर दूं। गाइस, अब अपन क्या करते हैं कि सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, खिड़कियां सॉरी आई मीन द ग्लासेस नॉट दरवाजा। चलो पार्किंग बंद कर दी। गाइस, ये पूरा ड्राइव है, मुझे ठीक ठीक तो नहीं मालूम लेकिन 5 किलोमीटर से तो ज्यादा कट गए। सॉरी, मैं ड्राइव करते टाइम आपको उत्तर कर नहीं पाऊंगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई विल टेक अ यू टर्न फ्रॉम द नेक्स्ट स्क्वायर, फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुए छोटे से एक्सीडेंट से मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि जो लोग मैनुअल कार चलाते हैं प्लीज़ वो मैनुअल कार ही चलाइए, जो ऑटोमेटिक चलाते हैं वो प्लीज़ ऑटोमेटिक चलाइए। बिकॉज मैनुअल और ऑटोमेटिक में कभी कभी होता ये है कि जैसे आप मैनुअल चलाते हो और आप ऑटोमेटिक अचानक से ड्राइव कर रहे हो, कभी कभी होता ये है कि आप एक्सीलेटर समझ के उस तरफ पैर ले आते हैं और दबा देते हैं जबकि वो ब्रेक होता है ऑटोमेटिक में, और यहाँ से आप ब्रेक डालने की कोशिश कर गियर डालने की कोशिश करते हैं और चक्कर में थोड़ा सा हॉश वॉश हो जाता है। गाड़ी अचानक से आपके रोक सकती है और पीछे वाली गाड़ी आपकी गाड़ी में आके फिर भी सकती है।
गाइस अब मैं हूँ हमारे सैर सपाटा वाले ब्रिज पे। आई डोंट नो व्हेन आई विल रीच होम, मुझे नहीं पता मैं कब घर जाऊँगा और मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही है। तो इसी क्लिपिंग के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। हास्ता ला विस्ता, एडियोस अमिगोस, चाओ चाओ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ और रात के बज रहे हैं 1:15, 1:15। कैन यू बिलीव दिस, मैं कितना लेट हो गया। ओ गाइस, खैर ब्लॉग अब वो वाली क्लिपिंग नहीं, इस वाली क्लिपिंग के साथ में एंड होगा बिकॉज। तो गाइस अब मैं सरप्राइज इनविटेशन का राज खोलता हूँ। सरप्राइज इनविटेशन ये था कि मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बताया नहीं था और वो लोग मुझे लेके जा रहे थे एक बहुत बड़े होटल में डिनर कराने के लिए। बट जैसे होटल के सामने पहुँचे मैं तो साफ फैल गया भाई, क्योंकि बिकॉज पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। और उस टाइम पे मुझे लगने लगी थी भूख, और आजकल ऐसा हो गया कि मुझसे भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, 5 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं। पहले तो मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाता था, लेकिन अब तो मुझसे 5 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई और ऊपर से बड़ा होटल, मैं समझ गया मैं जाऊँगा 45-50 मिनट बाद खाना आएगा, फिर मैं उसे खाऊँगा, फिर वही कम नमक कम मसाले का खाना, और मुझे अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे मैं ज़्यादा स्वैग भी नहीं कर पाता, क्या है बस 2-4 क्लिपिंग लेता होटल के लॉबी वॉबी की और बस, और कुछ मैं कर ही नहीं सकता था। और वो लोग भी साथ में थे तो मेरे को बहुत संभल संभल कर रहना पड़ता था, क्योंकि वो लोग तो कैमरे के सामने आते ही नहीं। तो गाइस इसलिए मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई आप लोग कर लो डिनर, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो भाई वो फुल पैसों की बर्बादी लग रही थी। तो मैंने कहा, मेरे भी बिहेवियर में मुझे चेंज आ गया। पहले मैं बहुत ऐसे ही एलिगेंस टाइप की जगह पे जा जा के डिनर करता था, बड़े बड़े होटल्स में जाके डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, ये सब मेरा शौक था। तो मुझे तब वो अच्छा लगता था, लेकिन अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि भाई मुझे सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो स्ट्रीट फूड ही पसंद आता है, या तो घर का खाना या स्ट्रीट फूड, बस उसके अलावा मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। मतलब दिन में एक बार मुझे कुछ भी छोटा मोटा एक स्ट्रीट फूड खा लूँ मेरा हो गया बस। तो भाई वहाँ से तो मैं निकल लिया, फिर मैंने बढ़िया सब घुमा घामा, बर्गर वर्गर खाया अपना। तो अब बज रहा है 1:15 और मैं घर पे आ गया हूँ। लेकिन जो मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे पेस्ट्री दी कि बोले भाई पेस्ट्री तो खा ले, तो ये है वो डिलीशियस सी पेस्ट्री, तो चलो पेस्ट्री खाते हैं और फिर ब्लॉग का हम एंड करते हैं। तो ये वाली है गाई वो पेस्ट्री, देखो क्योंकि अब ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा थोड़ा मीठा भी खाने लग गया हूँ। पहले मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता था, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता था। अब मुझे ये हो गया कि हाँ ठीक है, दिन में एक बार कुछ भी थोड़ा सा मीठा। पेस्ट्री की लास्ट बाइट के साथ में हम इस व्लॉग का करते हैं दी एंड। सरप्राइज इन्विटेशन व्लॉग का नाम है, इस व्लॉग का कर दिया अब दी एंड। अब 1:15 है, अब मैं इसको एडिट करने बैठूंगा, क्योंकि बिना एडिट किए तो मैं सोऊंगा नहीं, और सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह मुझे म्यूजिक स्टेशन में जाना पड़ता है मेरे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जाना वहाँ पे, तो मैं वो उसको स्किप नहीं करना चाहता। तो सुबह मैं वहाँ भागूंगा, तो अगर इसमें 1.5 घंटा लगेगा तो अभी मुझे बच जाएगा 3 सोते सोते, ख़त्म करते करते सोऊंगा तो पता नहीं कब, 1/2 घंटे बाद। तो फिर सुबह मुझे सुबह उठ के मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी 6:15-6 बजे, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये टाइम कम होता जाएगा, फिर इधर मेरे को जल्दी नींद आने लगेगी और उधर टाइम कम होता है, इधर मैं 10-11 बजे सोने लगूँगा, उधर फिर मैं एकदम से 3:30-4 बजे उठ जाऊँगा। तो इसी क्लिपिंग के साथ हम करते हैं व्लॉग का दी एंड, इस बाइट के साथ में, पेस्ट्री की बाइट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हास्ता ला विस्ता, एडियोस अमिगोस, चाओ चाओ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।